यह है प्रदेश में आज महिलाओं के लिए कई जगह फ्री सुविधाएं रहेंगी। आज रोडवेज में सफर करने पर महिलाओं को किराया नहीं देना पड़ेगा। इसी के साथ जयपुर समेत राज्य के दूसरे शहरों में बने स्मारक संग्रहालयों में घूमने के लिए भी महिलाओं को फ्री एंट्री टिकट मिलेगा। राजस्थान रोडवेज के द्वारा दी गई निःशुल्क यात्रा को लेकर के महिला यात्रियों से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। वो अभी हम आपको सुनाएंगे कि क्या कुछ उन्होंने बातचीत की है, क्योंकि महिलाओं में आज उत्साह देखने को मिल रहा है। आज वुमेन्स डे है तो आज कई छूट महिलाओं को मिल रही है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भजनलाल सरकार ने महिलाओं को कई बड़े तोहफे दिए हैं। आज महिलाओं के लिए कई जगह पर सुविधाएं जो है वो पूरी तरीके से फ्री रहेंगी। रोडवेज में सफर करने पर महिलाओं को तो किराया नहीं देना है, साथ ही साथ जयपुर समेत राज्य के दूसरे शहर में बने चाहे वो स्मारक हो या संग्रहालय हो, वहां पर घूमने के लिए महिलाओं को आज पूरी तरीके से फ्री एंट्री का टिकट मिलेगा। तो राजस्थान रोडवेज के द्वारा दी गई निःशुल्क यात्रा को लेकर के महिलाओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। यात्रियों से भी हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी, महिला दिवस के मौके पर राज्य सरकार का तोहफा, महिलाओं को आज कई बड़ी छूट मिली है। रोडवेज में महिलाएं फ्री यातायात कर सकेंगी, साथ ही साथ स्मारक संग्रहालयों में भी आज फ्री एंट्री मिलेगी। तो महिला दिवस के मौके पर ये बड़ा तोहफा है राज्य सरकार की तरफ से। आपको बता दें कि रोडवेज में जो महिलाएं हैं वो फ्री में आज यात्रा कर सकेंगी। तो महिला दिवस के मौके पर उदयपुर में भी महिलाएं निःशुल्क यात्रा के सरकार द्वारा दिए गए तोहफे का उपयोग करती हुई नजर आई। आपको बता दें कि रोडवेज बस स्टैंड पर आम दिनों की तुलना में महिलाओं की संख्या ज्यादा दिखी है। महिला यात्रियों से भी खास बातचीत की गई है, उनमें भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। महिला दिवस और आज सरकार की ओर से महिलाओं के लिए बसों में निःशुल्क यात्रा का दिन है। महिलाओं को सरकार द्वारा ये सौगात हर वर्ष दी जाती है कि महिला दिवस पर यात्रा निःशुल्क कराई जाती है। आप देखिए कि आज जो महिलाओं की संख्या है वो बस स्टैंड पर काफी नजर आ रही है। सरकार द्वारा महिला दिवस के मौके पर दिए जा रहे इस सम्मान का महिलाएं फायदा उठाती हुई नजर आ रही है और अब महिलाओं की संख्या ज्यादा है। कुछ महिलाओं से हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। मैडम, आज महिला दिवस है, सरकार निःशुल्क यात्राएं करा रही महिलाओं को, क्या कहेंगे? अच्छा है, सम्मान मिला, कितना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है कि ना आज के दिन ये किराया वगैरह फ्री है। बिल्कुल, देखिए महिलाएं काफी खुश भी है और भी यहाँ आप देखिए कि काफी सारी महिलाएं इस बस के अंदर अभी मौजूद है जो कि निःशुल्क यात्रा कर रही है। और बस के अंदर से भी मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, आप देखिए बस के अंदर भी महिलाएं मौजूद है, निःशुल्क यात्रा का लाभ उठाने के लिए पहुंची है। महिला दिवस महिलाओं के सम्मान का दिन है, इसी के चलते आज अगर हम रोडवेज बस में देखेंगे, बस स्टैंड पर देखेंगे तो अधिकांश यात्रा करती हुई आज महिलाएं नजर आ रही है। और हालांकि कैमरे के सामने बोलने में कई महिलाओं को हिचक जरूर महसूस होती है, लेकिन आप देखोगे रोडवेज बस स्टैंड पर हर महिलाओं की संख्या आज ज्यादा नजर आ रही है। अंडी जी, आज महिला दिवस है, आज निःशुल्क यात्रा कराती है सरकार महिलाओं, कैसा लगता है, क्या लगता है? अच्छा, हम भी चार महीने जा रहे हैं वैसे दर्शन करने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। दर्शन करके वापस आएंगे शाम तक, तो बहुत अच्छा लगता है, सरकार अच्छा करा ये काम। तो बिल्कुल देखिए आज के दिन उसका लाभ उठाती हुई महिलाएं नजर आ रही है। कोई महिला तीर्थ यात्रा के लिए जा रही है तो कोई अपने जरूरी आवश्यक काम को निपटाने के लिए बसों की यात्रा करती हुई उदयपुर में नजर आ रही है। कपिल श्रीमाली, News 18 उदयपुर। तो चलिए सहयोगी महिमा जैन हमारे साथ लाइव जुड़े हुई हैं जयपुर से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। महिमा, आज महिला दिवस के अवसर पर ये बड़ा तोहफा राज्य सरकार की तरफ से दिया गया है, महिलाओं में कितना उत्साह नजर आ रहा है, उनसे जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्या कुछ कह रही है?
बिल्कुल देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ऐसे में पर्यटक स्थलों पर निशुल्क प्रवेश महिलाओं के लिए आज किया गया है। चाहे हवा महल हो, अल्बर्ट हॉल हो, जंतर मंतर हो, आमेर महल हो, गुलाबी नगरी में बड़ी संख्या में महिलाएं आज पहुंच रही है और हेरिटेज इमारतों का दीदार कर रही है। मेरे साथ कुछ महिलाएं मौजूद है जिनसे हम जानेंगे कि आखिर आज पूरा दिन वो कैसे सेलिब्रेट करने जा रही है। खासतौर पर बालिकाएं यहाँ मौजूद है, कैसे आज पूरे दिन को सेलिब्रेट कर रही है? हवा महल पर आप फर्स्ट टाइम आई है, कहाँ से है? मैं चोमू से हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, आज के दिन हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं। अपने फ्रेंड सर्कल के साथ आप आज हवा महल आई है, पहली बार हवा महल पहुंची है? हाँ। कैसा लगा हवा महल? बहुत अच्छा लगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया पे देखकर आप यहाँ आई या इस जगह के बारे में आपने सुना है? सुना है जी। जी, कैसा लग रहा है हवा महल और आज महिला दिवस है, पूरे दिन कैसे सेलिब्रेट करने वाली है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। पूरे दिन के क्या प्लानिंग है आज? और आमेर दुर्ग जाएंगे और नारगढ़ जाएंगे। हाँ। जी, यहाँ जानना चाहेंगे आज क्या प्लानिंग है, कैसे आज अपना फ्रेंड्स के साथ पूरे दिन को मनाने वाली है? बहुत अच्छा सेलिब्रेट करने वाले हैं हम, बहुत ज्यादा सब देखने वाले हैं। जी जी जी, देखिए मैडम यहाँ मौजूद है। मैम आज महिला दिवस है, राज्य सरकार ने तोहफा दिया है कि आज महिलाएं पर्यटक स्थलों पर निःशुल्क में प्रवेश कर सकेंगी, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं कहना धन्यवाद देना चाहती हूँ कि भाई आज इन्होंने निःशुल्क कराया है और हमेशा करते रहे। मैं एक्चुअली अजमेर से आई हूँ यही देखने के लिए, निःशुल्क हवा महल, अल्बर्ट हॉल देखें और बच्चों को भी दिखाएं। कहाँ कहाँ घूमी अभी तक? मैं भी हवा महल ही आई हूँ। देखिए बच्ची भी आई, कहाँ से हो आप और कैसा लग रहा है हवा महल? अच्छा लग रहा है और मैं अजमेर से हूँ। अजमेर से आए हो, हवा महल घूमा आपने पूरा? हाँ। देखा सुना है कभी हवा महल के बारे में? यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे कुछ दिन पहले। हाँ। आपने देखा था, वो आए थे तब? जी देखिए, आफ्टर जब से प्रधानमंत्री मोदी की विजिट हवा महल पर हुई है तब से भी पर्यटकों में इजाफा देखने को मिल रहा है। मैं महिलाएं यहाँ मौजूद है, मैम से जानेंगे आज महिला दिवस है, पूरे दिन कैसे सेलिब्रेशन होगा? आज सेलिब्रेट करेंगे फ्रेंड्सों के साथ और इमारतों को देखेंगे। जी कहाँ कहाँ घूमने की प्लानिंग है जयपुर में? नाहरगढ़, हवा महल और भी है प्लान्स, तो पूरे दिन एंजॉय करने वाले। yes. कहाँ से आई है? हम टोंक से। पहले कभी सुना है हवा महल के बारे में, अल्बर्ट हॉल के बारे में सुना है? अल्बर्ट हॉल के बारे में, सबके बारे में सुना है, तो आज हम यहाँ विजिट करने आए हैं इसका। मैम से जानेंगे, मैम कहाँ से आप आई हैं? मैं जयपुर से हूँ। बिल्कुल महिमा, लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है और आप बातचीत भी करने की कोशिश कर रही हैं, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि काफी उत्साहित है, आज राज्य सरकार ने कई बड़े तोहफे दिए हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, अशोक भाटी भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अशोक जरा तस्वीर दिखा दीजिए, क्योंकि आज रोडवेज में जो महिलाएं वो फ्री में सफर करेंगी, गजब का उत्साह उनके अंदर नजर आ रहा है। जैसे कि सहयोगी महिमा ने बातचीत की है कुछ महिलाओं से, काफी खुश नजर आ रही है। आप भी जरा लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्या कुछ कह रही है? जी बिल्कुल, राजस्थान रोडवेज में महिलाओं को निशुल्क यात्रा का तोहफा दिया गया है। अलग अलग धार्मिक स्थानों पर वह जा रही है और इसके साथ साथ अलग अलग जो स्थान है, पर्यटक स्थल हैं, वहां पर भी राजस्थान में जो है कई लोग पहुंच रहे हैं, आज वह भी महिलाओं के लिए निशुल्क हैं। आप देखेंगे जोधपुर से जो स्कूल के तमाम जो बच्चे हैं आज वो यहाँ पर पहुंचे हैं। अजमेर का किला जो है, यहाँ का मशहूर किला है, जहाँ पर विभिन्न जो है चीजें पड़ी हैं जिनको देखने के लिए तमाम बच्चे मौजूद हैं और ये सब जो धरोहर है उनको यहाँ देखने आए हैं। इनके साथ जो टीचर आए हैं उनसे बातचीत करते हैं, कहाँ कहाँ आप घूमे हैं और आज क्या विशेष है, महिला दिवस भी है, महिलाओं को क्या खास? हम अशोक से कल सुबह रवाना हुए थे, पुष्कर नाइट हॉल था, वहाँ कल पूरा पुष्कर भ्रमण किया, आज सुबह यहाँ आए हैं। सबसे पहले वो प्रताप स्मारक देखा, इसके बाद यहाँ संग्रहालय, अभी हम वहाँ जाएंगे आनासागर झील और सेवन वंडर्स देखेंगे। और आज विशेषकर महिला दिवस है तो राज्य सरकार द्वारा भी सभी विभिन्न स्मारकों पर महिलाओं को फ्री वो प्रवेश है, निःशुल्क है। इसी दिवस पर हमने यहाँ भ्रमण करने का विचार किया और पूरे अजमेर का भ्रमण कर रहे हैं। धन्यवाद। अजमेर का भ्रमण कर रहे हैं, बालिकाओं से भी यहाँ पर जो है बातचीत करने का प्रयास करते हैं। कहाँ कहाँ घूमे बच्चे और क्या क्या देखा अभी तक, देखा है कुछ? हाँ, हम पुष्कर गए थे, वहाँ पे हमने पुष्कर झील देखी थी, काफी सारे और जगह पे भी घूमे थे, ब्रह्मा जी का मंदिर था वहाँ पे और काफी सारे और मंदिर थे वहाँ पे भी, सावित्री बाई का मंदिर था, मेड़ता गए थे मीराबाई के मंदिर, और आज हम यहाँ पे घूम रहे हैं। उसके बाद सोनी जी की नशिया देखेंगे, सेवन वंडर्स देखेंगे और आना सागर झील देखेंगे। अभी यहाँ पर क्या क्या देखा आपने, क्या ऐसा देखा जो आपने पहले नहीं देखा? हमने यहाँ के पुराने कॉइन्स देखे थे, काफी ऐसी चीजें देखी थी जो हमने पहले नहीं देखी थी, और यहाँ पे
यहाँ की ड्राइंग्स बहुत अच्छी थी और यहाँ पे जो पुराने कपड़े थे वो भी हमने देखे थे। आप बताएं बच्चे, और कोई बताने वाला है? जो तमाम जो बच्चे हैं अलग अलग, मतलब एक ही स्कूल के हैं जोधपुर के, वहाँ से आए हैं और अलग अलग स्थानों पर यहाँ भ्रमण कर रहे हैं। आपको बता दें आज महिला दिवस है, इसके साथ साथ शिवरात्रि भी है। ऐसे में कई लोग जो है पर्यटक स्थलों का यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं, इसके साथ साथ राजस्थान रोडवेज की भी यहाँ पर निःशुल्क सेवा है। तो महिलाओं के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है, चाहे वो रोडवेज की बात करें चाहे पर्यटक स्थलों की बात करें, तो अलग अलग स्थानों पर इसी तरह से वे घूम रहे हैं और यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। और भी शिक्षक हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या महत्वपूर्ण है आज जो इनको घुमाने ले आए। वैसे आज सरकारी अवकाश भी है और हमने पहले से प्लान कर रखा है कि हम महिला दिवस पर ही बच्चों को स्कूल। बिल्कुल अशोक, देखिए आपने छोटे बच्चों से भी बातचीत की है और छोटी छोटी बच्चियां, उनको भी काफी खुशी हो रही है कि आज उनको फ्री में